हमारा दुर्भाग्य रहा है खतौली में, हमें बड़ा अफसोस है। हम लोग भी वहाँ गए, मेहनत की, लेकिन एक तो हमारा प्रत्याशी का ही मामला कोई अच्छा नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं हर समाज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी की, और यही कारण रहा कि हम लोग वहाँ पिछड़ गए। इकरा हसन भी लगातार सक्रिय हैं, चुनाव मैदान में हैं, नाहिद भी बाहर आ गए हैं, वो भी देखे जनता के बीच जाएंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? नाहिद के बाहर आने से तो हमें लाभ है, क्योंकि वो कुछ कुछ अपनी भाषा से ही नाराज कर देगा, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप समाज के नेता, तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं, गुर्जर प्रत्याशी को हराने के लिए कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को, गुर्जर समाज का मैं जिक्र करूंगा, उनको ये बात रास नहीं आई कि देखिए गुर्जरों के नेता गुर्जर को हराने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं? ठीक है, वोट मांगी एक अलग बात है, लेकिन सम्मेलन करना, बड़े तौर पर कहना कि देखिए समाज के नेता को हराओ, तो ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। हम सब हवा में भी रहे, अभी तो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी की सरकार है। कि लोनी में नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है, तो लोनी में लोनी से यहाँ पर आकर जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने खासकर मदन भैया पर तमाम आरोप लगाए, गुंडा, तमाम बातें कही और पंचायत भी की गई, तो क्या लगता है आपको वो चीज़ें ठीक थी? वो भी चंद्रशेखर के आने से उसमें भी एक जोश आया है, और एक बहुत बड़ा कारण हमारे लिए वो भी एक रहा है। सिख समाज बहुमत से गठबंधन की तरफ गया, नौजवान लड़कों का चंद्रशेखर की तरफ रुझान हुआ, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए सिख समाज को। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब एक कुछ नए समीकरण बनाने की तैयारियां हो रही हैं गठबंधन की तरफ से, जिस तरीके से भाईचारा सम्मेलन किया गया। सवाल ये है, खतौली सीट जीतने के बाद क्या वाकई में पश्चिम के माहौल बदलेगा? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और MLC चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत BGT न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चौधरी साहब, भाईचारा सम्मेलन हुआ अभी खतौली चुनाव जीतने के बाद, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे पश्चिम के, कैराना, कांधला, इन सीटों पर फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन से माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाली, देश का नाम दुनिया में ऊपर किया है। माननीय योगी जी ने कानून व्यवस्था, विकास के नाम पे यहाँ बहुत बहुत अच्छे, हमारे शामली जनपद में 5 हाईवे बनने को तक बने हैं, बिजली, सब चीज़ों की सुविधाएँ। हमारा दुर्भाग्य रहा है खतौली में, हमें बड़ा अफसोस है। हम लोग भी वहाँ गए, मेहनत की, लेकिन एक तो हमारा प्रत्याशी का ही मामला कोई अच्छा नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं हर समाज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी की, और यही कारण रहा कि हम लोग वहाँ पिछड़ गए। हमें उम्मीद नहीं थी, हालांकि हमने भी मेहनत की, अपने समाज में ख़ास तौर से मेहनत की, लेकिन मदन भैया का हिसाब और सबकी एक ही शिकायत थी, साहब प्रत्याशी खराब है, तो इस वजह से वहाँ हमारे हार का कारण रहा। वरना तो मैं समझता हूँ, आज लोग भी हम जहाँ जाते हैं, आज केड़वा कबाड़ा में थे और मीटिंग हुई बहुत अच्छी, हमारे दो एक MLC थे, धामा जी MLA थे, बड़ी लोगों की भावना योगी जी के प्रति, उनके दिल में सम्मान है, काम का सम्मान है। तो मंत्री जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप खतौली इस वजह से हारे कि आपका जो प्रत्याशी था वो सही नहीं था, मेहनत पार्टी के लोगों ने कम नहीं की, ऐसा भी नहीं है, योगी मोदी जी का जादू कम नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, तो आप प्रत्याशी के ऊपर मतलब ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदल देना चाहिए था, उनकी वाइफ की जगह किसी और को टिकट मिलना चाहिए था? प्रत्याशी भले ही सैनिक समाज को देते, किसी और को देते, और दूसरा हमारा आपस का तालमेल ठीक नहीं रहा। मैं समझता हूँ, देखिए घर में यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग मेहनत की। हमने शुरू में कहा भाई 5-5 गाँव बाँट लो, एक जिम्मेदारी महसूस करो। हम उसमें नाकामयाब रहे, अपनी प्लानिंग में जो हमें करनी चाहिए थी, हर गुर्जर समाज के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। हम लोगों को कायदे में हमारा थोड़ा सा प्लानिंग ठीक नहीं रही, हम लोगों को करना चाहिए था 5 गांव, हम लेते बड़े गांव, कुछ और देते, वो प्लानिंग में भी थोड़ा सा, हम सब हवा में भी रहे, अगजीत तो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी की सरकार है, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रत्याशी का कारण, और दूसरा हमारा नाइंसामी का कारण रहा है, यही और कारण है। वरना तो ना माननीय योगी जी का कहीं कोई प्रभाव कम है, ना माननीय मोदी जी का है, ना विकास में कमी है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन मंत्री जी देखिए, अब एक संदेश समाज को लेकर बहुत बड़ा ये गया कि आप समाज के नेता, तमाम
नेता मंत्री विधायक सांसद गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं, गुर्जर प्रत्याशी को हराने के लिए कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को, गुर्जर समाज का मैं जिक्र करूंगा, उनको ये बात रास नहीं आई कि देखिए गुर्जरों के नेता गुर्जर को हराने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, वोट मांगिए एक अलग बात है, लेकिन सम्मेलन करना, बड़े तौर पर कहना कि देखिए समाज के नेता को हराओ, तो ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। नहीं देखिए, समाज हम लोगों के आधार है, लेकिन ऐसा नहीं, जिस पार्टी में हम हैं और हम देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया समाज को, सुरेंद्र नागर को राज्यसभा दी, मुझे MLC बना, मंत्री भी बना हुआ है, तो ऐसे थोड़ा ही हम इग्नोर करेंगे, या जो जिम्मेदारी माननीय योगी जी ने हम लोगों को दी है कि भाई समाज को कह देते हैं कि नहीं दिया, ठीक है मंत्रिमंडल में एक हमारा राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे 4 नॉमिनेट सदस्यों में से 1 नॉमिनेट किया, सुरेंद्र नागर को राज्यसभा दी, और ऐसा नहीं कि सम्मान कोई कम है वहाँ माननीय योगी जी के यहाँ या मोदी जी के, लेकिन एक चला एक भावना गुर्जरों की, और मैं समझता हूँ उसमें गुर्जरों का नहीं था, एक थोड़ा सा गुर्जर ये महसूस कर रहे थे प्रत्याशी के अलावा कि किसी अन्य समाज को तो बहुत सम्मान प्रदेश में मिल रहा है और गुर्जर सम्मान को, गुर्जर समाज को कहीं नहीं मिला, ये भी एक गुर्जर समाज में एक बिंदु था जिसकी वजह से हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक सवाल है, सब जानते हैं कि लोनी में नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है, तो लोनी में लोनी से यहाँ पर आकर जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने खासकर मदन भैया पर तमाम आरोप लगाए, गुंडा, तमाम बातें कही और पंचायत भी की गई, तो क्या लगता है आपको वो चीज़ें ठीक थी? देखिए वो तो खैर अपना अलग अलग स्वभाव है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हर आदमी का अपना, हमें भी बहुत लंबी राजनीति करते समझोगे, हम लोगों ने किसी पे ना कभी टिप्पणी करते, ना हम कभी तनाव में रहते, ना राजनीति करते हैं, अपना एक जो सही तरीका है, हम लोग कोई अपशब्द बोल के या इससे बोल के थोड़ा ही हम बनेंगे, तभी जो बात हमें पार्टी की कहनी है, अपनी कहनी है, उसे हम एक सभ्यता के तौर पे भी कह सकते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी थोड़ा ही है हम अगला भी अगर ख़राब है तो हम उसे यही कहें, ये हम लोगों के लिए शोभन देता हूँ। अभी देखिए 2-3 सवाल, एक सवाल ये है कि गुर्जर समाज के आप लोग तमाम नेता गए और आपकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई जिसमें आप माला में खड़े हैं सब नेता, उसके अलावा संजीव बालियान को लेकर बहुत निशाने साधे जा रहे हैं, देखिए जाट समाज कितने बड़े नेता हैं, गुर्जर समाज से आप लोग वहाँ पर गए तब भी नहीं जिता पाए भाजपा प्रत्याशी को, तो कह रहे हैं कि देखिए नेता भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, समाज के लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएँ चल रही हैं। नहीं चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो करेंगे ही, जब हम हार गए चुनाव, अब चर्चा के विषय तो हम बन ही गए, लेकिन उसमें यह है कि बालियान जी वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं और कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि केवल गुर्जर समाज नहीं जाट समाज भी आ गया मेजोरिटी में, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ कारण रहा है, वहाँ SC समाज की करीब 55,000 वोट हैं, वो भी चंद्रशेखर के आने से, उसमें भी एक जोश आया है, और एक बहुत बड़ा कारण हमारे लिए वो भी एक रहा है, ऐसे समाज बहुमत से गठबंधन की तरफ गया, नौजवान लड़कों का चंद्रशेखर की तरफ रुझान हुआ, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए ऐसी समाज को, हम लोग केवल गफलत में रहे, माननीय योगी जी आए, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, माननीय मोदी जी हैं, सरकार है, हम जीत जाएंगे, हम केवल उसी गफलत में ये चुनाव हार गए, हम लोगों ने कोई सही प्लानिंग नहीं कर पाए, सही कारण तो यही है। दो सवाल मेरे अंतिम है, एक सवाल ये है कि देखिए मुसलमानों से हटकर इसमें गुर्जर, जाट, त्यागी समाज, ये सब अब विपक्ष की तरफ गया इस चुनाव में, यही जीत का कारण माना जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये समीकरण आगे भी बना रहेगा? नहीं नहीं, ये समीकरण कैसे बना रहेगा, गुर्जर समाज तो आप 17 में बात कर लीजिए, 14 में कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, अभी चुनाव हुए 22 में, मैं समझता हूँ 95% गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा है, और बिना किसी प्रयास के भी, उसका तो स्वभाव है, वो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, ये एक कारण, वो थोड़ा एक दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें महसूस हुआ, और एक प्रत्याशी उधर मदर मैया समाज का, और समाज का थोड़ा सा वो चाह रहे थे दूसरे समाज को ज़्यादा महत्व है, हम लोगों को कम महत्व है, ये 2-3 बिंदु और एक हमारी प्लानिंग यही बनाए, वरना तो गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा, और आगे भी मेरा अपना विश्वास है कि एक राष्ट्रवादी कौम है,
आज नहीं, शुरू से इन्होंने अंग्रेजों के समय में लड़ाई लड़ी है। ये देश प्रेमी लोग हैं और हित में काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जाएंगे। कैराना में कोई दिक्कत तो नहीं है? लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, कैराना को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि आने वाले समय कैराना जितने वोटों से जीती थी उससे अधिक वोटों से जीतेंगे? सब ठीक चल रहा है कैराना में? अभी चुनाव आएगा, कोई विशेष घटना ना घटे, प्रत्याशियों पर भी निर्भर करता है। देखिए आज है लेकिन प्रत्याशियों पर भी निर्भर करेगा। हमारा प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी, उधर से कौन प्रत्याशी आता है, कैसा प्रत्याशी रहेगा, इनमें हमारे जो गठबंधन के इसमें कौन कौन लोग कितने एक्टिव हो गए, क्योंकि वहाँ गुजर जाट से अलावा SC का बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव हराने में रहा है, तो यहाँ का समीकरण क्या बनेगा। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जीतेगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमरान हसन भी लगातार सक्रिय हैं, चुनाव मैदान में हैं, नाहिद भी बाहर आ गए हैं, वो भी देखिए जनता के बीच जाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज़ का? नाहिद के बाहर आने से तो हमें लाभ है, क्योंकि वो कुछ कुत्तों अपनी भाषा से ही नाराज कर देगा, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इकरा घूम रही है, बच्ची है, लेकिन कोई प्रभाव उसका भी नहीं पड़ेगा। अग भाई इकरा कोई वो चला देगी, और नाहिद हसन का तो आएगा, दो चार भाषा बोलेगा जो आप हमारी बता रही है, हमने बोली वहाँ, हमारे लोगों ने वही यहाँ बोलेगा, और तो अपना ही नुकसान करेगा उसमें। अपना नुकसान करेंगे लेकिन भाजपा का तो फायदा होगा। हाँ, भाजपा का फायदा होगा, मैं कह तो रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ भाजपा को नहीं है। वो तो बात वो भी समझ रहे होंगे कि ऐसा मैं कुछ ना बोलूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद अब लाइन मिली है। इस समझने से तो नहीं होता ना, ये तो आदत पड़ी उसकी बोलने की, क्या थोड़ा ही जा, जब मौका आएगा देख लेना कुछ दिनों में। चलिए, धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे MLC चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।